एक बार फिर से सीडीएनपी जिगमेंट एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में हम 3D के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से देखेंगे। और आज के क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं और आते रहते हैं, इस हिसाब से आप इन्हें बेहतर ढंग से फुल कॉन्सेंट्रेशन से समझें और लास्ट में फिर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3D के अंतर्गत। और यह क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि हमसे बन नहीं रहा है। 14B में क्वेश्चन नंबर 11 है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A103 ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स B471 एंड C353। हिंदी में इसे कहा जा सकता है, उस सरल रेखा के पाद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु A103 से बिंदुओं B471 और 353 को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंबवत खींची गई है। तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और जिससे क्वेश्चन आप लोगों को और भी क्लियर लगने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया गया है AB। लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC है, ठीक है। और पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये देखिए, यहां से देखा जा सकता है, यहां पर ऊपर ये पॉइंट A होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 103, और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 471, और C है 353, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए कि ये पॉइंट A से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये देखिए ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से जो लाइन ड्रॉ की गई है इसका फुट पॉइंट हम मान लेते हैं D है। तो हमको पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, XYZ, ठीक है, या ABC भी मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैनी मेथड, बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। इनमें से हम एक मेथड का यूज कर रहे हैं जो सिंपल मेथड है और ज्यादातर लोग यूज करते हैं। फिर भी आपको अगर टफ लगे तो एकाध मेथड की चर्चा हम और भी कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए, इसमें परपेंडिकुलर की बात की गई है, लंबवत की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, हमारा माइंड इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर की बात है,
मतलब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। इसका हमें यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, यह बात अपने दिमाग में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन बनेगा कि इसका यूज हम कैसे करें। तो यहां पर ए वन बी वन सी वन किसी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ए टू बी टू सी टू अदर लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो यहां पर टू लाइन कौन कौन सी है, एक है ए डी और एक है बी सी। तो हमको दोनों के ही डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए, तब तो कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहां पर हम देखें तो बी सी लाइन में हमारे पास सफिशियंट पॉइंट है, यहां पर पर्याप्त बिंदु है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, और ऐसा ही बी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, और ऐसा ही सी इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। ये अगर टू कोऑर्डिनेट हैं तो डायरेक्शन रेशियो हम ऐसा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी सी के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम ए डी की बात करें तो सिंगल पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। अब यहां पर अगर अपन माइनस करके निकाल भी लेते हैं तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो आएंगे, और यहां पर सिंगल या तो एक्स वाई जेड के फॉर्म वाले भी ले सकते हैं या बिना एक्स वाई जेड के फॉर्म वाले भी हो सकते हैं। और कंडीशन जब लगाएंगे तो एक इक्वेशन ही तो मिल जाएगा जिसमें एक्स वाई जेड होगा। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट कंडीशन लगाने से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ पॉइंट डी, मतलब बिंदु डी की स्थिति कहां पर है, बी और सी बिंदुओं के बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति का पता करना हो तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसे कहा जाता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये आपको हमने पहले बताया है, एक बार फिर से यहां पर आप लोगों की सुविधा के लिए हम लिखेंगे। ये देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन ऐसी है, ठीक है, और इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या हो, यहां का कोऑर्डिनेट ए हो, एक्स वाई एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी वाला हो एक्स टू वाई टू जेड टू। अब ये इंटीरियर इंटरनल सेक्शन है, अंतः विभाजन पॉइंट सी पर है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स वाई जेड। तो फिर क्या होता है, देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ऐसा ही फार्मूला वाई के लिए लिखना है आप लोगों को, और ऐसा ही जेड के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज यहां पर करेंगे। तो देखिए क्या बोलना पड़ेगा कि पॉइंट डी लाइन सेगमेंट बीसी को किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा। ये इसका रेशियो क्या है ये हम यहां पर लेट कर लेते हैं। यहां पर क्या है, रेशियो एम वन रेशियो एम टू है। यहां क्या है, एम वन रेशियो एम टू। इसमें आप लोगों को क्या मानना है, इसमें मानना है रेशियो लैम्डा रेशियो वन, मतलब ये बीडी वाला पार्ट लैम्डा और यहां वाला पार्ट क्या, वन। तो लैम्डा रेशियो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले
तुरंत ही अपन लिखेंगे कि बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला। हिंदी वाले लिखना चाहते हैं तो खंड सूत्र से, खंड सूत्र क्या कहता है, खंड सूत्र यही है जो हमने लिख दिया यहां पर आपको, ये हमने साइड में रफ बतलाया है, इसको फेयर में अगर लिखना है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा करके, एक्स वाई, एक्स वाई जेड, ये वाले जो फार्मूला लिखा हमने ये यहां पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, लिख लेंगे, ये यहां पर लिख लेना है। अब हियर यहां पर अपने क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें कौन है, जैसे ये देखिए ये कहलाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है यहां लिख देते हैं, 4 7 1, ठीक है। और देखिए यहां पर ये हो जाएगी एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स टू वाई टू जेड टू लगाएंगे कितना आएगा, 3 5 3, जबकि अगर हम एम वन रेशियो एम टू की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगी, लैम्डा रेशियो 1 होगी, और बाकी एक्स वाई जेड तो लिखा है तो वैल्यू लगा देते हैं, चलो कितना आएगा, ये कोऑर्डिनेट कहां के कहलाएंगे, डी के कहलाएंगे, इसलिए यहां पर अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कहां के हैं बोलिए, डी के हैं। और अब लिखते हैं यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला, एम वन एक्स टू, तो ये है एम वन और ये क्या है एक्स टू, ये ठीक है एम वन एक्स टू, ठीक है, डायरेक्ट यहां से देख के लिख सकते हैं, यहां पर ये कहलाता है m1 और ये क्या है x2, डायरेक्ट देख के लिखें ज्यादा अच्छा है, ये देखिए 3 लैम्डा प्लस क्या होता है m2x1, m2 कहां है 1 है और x1 कौन है 4, तो ऐसा क्रॉस करना पड़ता है लैम्डा का इस तरफ और 1 का इस तरफ, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 4 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2, m1 क्या है लैम्डा और प्लस एम टू क्या है 1, ऐसा ही वाई का मान लिखेंगे, वाई क्या होगा बोलिए, एम वन यहां वाई टू आ जाएगा, ये है वाई टू, एम वन वाई टू मतलब 5 लैम्डा, ये आ जाएगा 5 लैम्डा और प्लस यहां 7 इंटू 1, ये आ जाएगा 7 अपॉन कितना होगा देखिए, वही लैम्डा प्लस 1 होगा, सब में एक सा ही होगा, और जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बताएं, कितना होगा एम वन जेड टू हो जाएगा, ठीक है, तो एम वन कितना है ये है लैम्डा और जेड टू कितना है 3, मीन्स क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस एम टू जेड वन, ये है एम टू 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना, वही एम वन प्लस एम टू मीन्स लैम्डा प्लस 1, ये देखें ये वैल्यू किसकी आ गई, डी का जो कोऑर्डिनेट है उसकी आ गई, चाहे तो इसको अपन एक्स वाई जेड हटा के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखा हुआ है ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और आगे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे जरा देखें। अब अभी हमको, हमने शुरू में बोला था कि हमको पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, अब डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, डी का निर्देशांक देखो ये पता चल गया है, x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की ये है, ठीक है, तो अगर हमें AD का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, इसका AD का, तो वह आसानी से निकल जाएगा, लेकिन लैम्डा के फॉर्म में निकलेगा, और BC का निकालेंगे तो डायरेक्ट ये एक न्यूमेरिक वैल्यू संख्यात्मक मान आ जाएगा, ठीक है, तो चलो निकालते हैं, सीधी बात ये है, यहां हम लिख देते हैं कि नाउ नाउ
डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, ठीक है, हिंदी वालों को रेखा एडी के दिक् अनुपात, ठीक है, दिक् अनुपात के लिए कौन सा फार्मूला, वही ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी अभी लिखा था हमने, देखिए ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ले लेंगे ये वाली एक्स वन वाई वन जेड वन ए वाली, और सेकेंड वाली क्या हो जाएगी एक्स टू वाई टू जेड टू। समझिए अच्छे से इस बात को, 103, ठीक है, चलो लिख देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अभी और निकाल ले तो ए वन बोल देते हैं अपन इसको, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अपना वन क्या था, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में जो दी गई कितनी है वो 103 थी, ठीक है ना। पॉइंट ए क्या है, 103, ये पॉइंट क्या था, ये ए था, ठीक है, और डी पॉइंट कौन सा है, ये लिखा हुआ है। तो ये है ये एक्स टू और ये क्या है एक्स वन, कितना हो जाएगा लिखते हैं, 3λ + 4/λ + 1 - कितना आएगा बोलिए 1, ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, कितना आ जाएगा देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, λ + 1 3λ + 4 - λ - 1, ठीक है, कितना आ गया बोलो, 3λ - λ मतलब ये हो जाएगा 2λ, और प्लस कितना बोलो 3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा λ + 1, ठीक है। ऐसा ही लिखना है क्या, b1 क्या होगा, y2 - y1, अब y2 मतलब क्या है, ये y2 है और ये है y1, तो y1 तो 0 ही है, तो इतना -0 मतलब कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा 5λ + 7/λ + 1, ठीक है, 0 है तो 0 लिख नहीं रहे हैं। अब आ जाएगा क्या लास्ट में अपना c1, ठीक है, c1 कितना होगा, ये लिख देते हैं, c1 = z2 - z1, ठीक है। तो z2 क्या होगा, ये ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले में होगा, और z1 ये होगा और z2 ये होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर 3λ + 1/ कितना आएगा λ + 1, और माइनस कितना बोलिए 3, ठीक है। इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं, कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका λ + 1, और ऊपर आएगा 3λ + 1 - 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो 3λ - 3, ठीक है। अब कितना आया 3λ से 3λ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 - 3 मीन्स आ जाएगा -2, अपॉन में कितना λ + 1, ये हो गया c1, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको लाइन सेगमेंट इसका BC का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ये देखिए BC मतलब x1 y1 z1 4 7 1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2, और यही फार्मूला फिर से लगाएंगे अपन, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहां पर, ये लिखा भी है देख लो x1 y1, यहीं पर इसी को देख सकते हैं, तो लिखते हैं यहां पर, ये हो जाएगा नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC,
ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लेंगे बीसी के देक अनुपात, वही फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन वाला। तो अब यहाँ पर वहाँ वन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, टू, ठीक है। और कितना होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये ऊपर लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो सुविधा के लिए हम लिख देते हैं 471 है ये बी वाला पॉइंट था, और ये दूसरा वाला कौन सा था, 353, ठीक है। मतलब ये वाली जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू किसकी है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, और ऐसा ही ये वाली एक्स टू वाई टू जेड टू की है। तो चलो लिखते हैं, ये एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस का, ठीक है। अब 5 माइनस 7 कितना, माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, हो गया ये। अब कितना आएगा किसके लिए, ए टू के लिए, ए टू के लिए क्या लिखेंगे अपन, ए टू के लिए हो गया। अब बी टू के लिए जाइए, बी टू इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, वाई टू माइनस वाई वन। अब वाई टू की वैल्यू कितनी है देख लो, ये 1 और ये 2, 5 माइनस 7 कितना आएगा, -2। और ऐसा ही सी टू की वैल्यू कितनी होगी, जेड टू माइनस जेड वन। तो जेड टू कितना है, 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से हमारे पास जो ए टू बी टू और सी टू है वो कितना निकल आया बोलो, -1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो है तो मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं अपन इसमें, अगर चाहे तो, जरूरी नहीं है लास्ट में करना ही पड़ेगा वैसे, तो इसको लिखा जा सकता है 1, 2, -2, ठीक है, इन तीनों में माइनस से। लेकिन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, देख लो ए टू बी टू सी टू और ऊपर ए वन बी वन सी वन, ये है ए वन है यहां पर, ये वैल्यू है क्या ए वन, ये बी वन, और ये निकल आई थी क्या सी वन, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें लगाएंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर में, तो लिखते हैं नाउ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लंब की शर्त से, ठीक है। लंब की शर्त क्या है, वही ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपना ए वन ए टू ये क्या है, ये देखिए, ये है 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन, लिखते हैं यहां पर 2 लैम्डा प्लस 3, अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये ए वन है। अब ए टू कितना है, ये वाला है, ठीक है, -1 या +1 जो भी आप लोग लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी वन क्या है, बी वन देखें, बी वन है ये 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन में सेम ही 5 लैम्डा प्लस 7 यहां लिख देंगे, 5 लैम्डा
प्लस सेवन अपॉन लेमडा प्लस वन, ये आया इनटू डी टू कितना होगा माइनस टू, ठीक है। अब प्लस सी वन सी टू, सी वन देख कितना आया था माइनस टू अपॉन कितना लेमडा प्लस वन, तो यहां लिख देते हैं हम माइनस टू अपॉन लेमडा प्लस वन और इनटू सी टू कितना है टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए जीरो। देखो सब में लेमडा प्लस वन लेमडा प्लस वन लेमडा प्लस वन है, तो लेमडा प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड बोथ साइड, ठीक है। तो लेमडा प्लस वन हट जाएगा और माइनस का ही मल्टीप्लाई देखो अब तो करना पड़ेगा माइनस का, या तो यहां कर लेते या फिर यहां कर लेते, ठीक है। एक ही बात हमने बोला था, ये आएगा इम्प्लाइज दैट कितना बोलो टू लेमडा प्लस थ्री आया, ठीक है, इंटू वन मतलब उतना ही है। अब प्लस कितना फाइव लेमडा मल्टीप्लाई अंदर कर लो, ये माइनस का प्लस हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहां कर दिया माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये यही प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो माइनस हो जाएगा, तो टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा टेन लेमडा प्लस कितना हो जाएगा फोर्टीन। अब यहां भी देखें ये माइनस टू और ये माइनस टू तो कितना हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू कितना जीरो। अब सॉल्व करें आगे कितना आएगा बोलिए टू लेमडा प्लस टेन लेमडा कितना हो जाएगा ट्वेल्व लेमडा, नंबर्स कितने हैं यहां पर देखिए फोर्टीन प्लस फोर कितना हुआ एटीन प्लस थ्री कितना हुआ ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस का है इस साइड में आयत कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन, तो बताइए लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेल्व, थ्री से कट कर सकते हैं कितना आ गया माइनस सेवन अपॉन फोर आ गया, आ गया। अब ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी है जो अपने कोऑर्डिनेट निकाले थे अपन ने वहां पर लगा देनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे अपन ने ये देखिए डी के, ये है डी के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं सभी लोग यहां पर ये डी के कोऑर्डिनेट है, ये देखो ये पूरे डी के कोऑर्डिनेट यहां पर हमको क्या करना है ये इसमें वैल्यू लगा देनी है। इक्वेशन नंबर ये क्या है बोलो फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें देखो इसको नीचे ले चलते हैं, बार बार इसको खिसकाना पड़ेगा इसलिए आगे ले चलते हैं इसको। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये देखो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था जो डी का कोऑर्डिनेट है, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू लगा देंगे लैम्डा की, कितना आएगा देखिए x इज इक्वल टू थ्री लैम्डा इसमें लगाएंगे, ठीक है, माइनस सेवन इंटू थ्री कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन अपॉन कितना फोर और प्लस कितना फोर होल अपॉन कितना आएगा लैम्डा मतलब माइनस सेवन और प्लस वन, ठीक है। ऐसा ही y का लगाएंगे और ऐसा ही क्या करेंगे z का लगाएंगे, ठीक है। अब D इज इक्वल टू D पॉइंट क्या आएगा देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको कितना बनेगा बोलो X इज इक्वल टू ऊपर वाले एलसीएम कितना है बोलो फोर है, यहां कितना आएगा माइनस ट्वेंटी वन प्लस सिक्सटीन, फिर नीचे वाले एलसीएम कितना है फोर माइनस सेवन
प्लस फोर, फोर से फोर क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी है ये एक्स इज इक्वल टू, ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 और अपॉन में कितना आएगा -3, ठीक है। और आगे इसको लिख सकते हैं हम, माइनस से माइनस हट जाएगा तो आ जाएगा ये डी का कोऑर्डिनेट एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। ऐसा ही वाई के लिए निकालना है, वैसे आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, फिर भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू 5 × लेमडा, लेमडा की वैल्यू लगाएंगे कितना आएगा -35, ठीक है, अपॉन कितना आएगा 4 आएगा और प्लस कितना आएगा 7, होल अपॉन कितना आएगा बोलिए λ+1, λ+1 मतलब यही आएगा जो नीचे बार बार लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसको एक बार निकाल लिया अपन ने कि यहाँ पर देखो ये -7 + 4 कितना था, -3/4, तो यहाँ पर अपन बार बार पूरा ना निकाल के -3/4 ही लिखते चलते हैं। और इसके बाद जेड की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू कितना है 3 λ, तो ये है 7 × 3, ये हो जाएगा -21/4 +1 और होल अपॉन वही -3/4, ठीक है। अब इसमें आगे एक्स का जैसे निकल आया है ऐसा ही हम वाई लिखते चलते हैं, ऊपर में कितना आएगा देखो डायरेक्ट लिख लो, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा और यहां भी 4 लिखा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा फिर ये -35 +7 × 4 कितना हो जाएगा 28 अपॉन कितना -3। ऐसा ही जेड के लिए कर लें, देखो इनका एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा -21 प्लस कितना आएगा 4 आएगा अपॉन में कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखें यहाँ पर ये y इज इक्वल टू कितना बचा इसमें देखें, ये आ जाएगा -7 अपॉन कितना -3 और जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बताएं, -17/-3, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/3 और जेड इज इक्वल टू कितना 17/3। लास्ट में अपन सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट पॉइंट चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सीधे ऐसा डी करके ओनली कोऑर्डिनेट मीन्स 5/3, 7/3, 17/3, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को, स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो अगर बीच में कुछ टफ वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू आने लगती है, भिन्न वाले मान आने लगते हैं, तो उसे लगता है कि उसने कहीं गलत तो नहीं कर दिया है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करते जाएं। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं जिसमें कि निर्देशांक ये भिन्न में फ्रैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस के साथ क्वेश्चन करते जाएं और ये आंसर फिर निकल आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कहा था कि बहुत सी विधियों से कर सकते हैं, अगर यह ज्यादा बड़ा लगता है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है जिसके द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है।
तो सेकेंड मेथड के लिए हम आप लोगों को हिंट दे देते हैं और शॉर्ट में सॉल्व भी कर देते हैं, और उसको आप डिटेल में पूरा लिख करके सॉल्व कर लेना। इसके लिए हम डायग्राम यही वाला ले लेंगे जो पहले बनाया है, ठीक है, ये देखिए। और इसको कैसे सोचेंगे हम, इस क्वेश्चन के करने का नजरिया तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीडी टू टाइप से लिखना है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, बीसी, ठीक है। बीसी लाइन ये पूरी कहलाती, मतलब बीडी भी वही लाइन है और बीसी भी क्या है, वही है। उसके डायरेक्शन रेशियो टू टाइप से कैसे, वन टाइप हम टू पॉइंट कौन कौन से ले लेते हैं, बी और डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के लिए टू पॉइंट बस पता होना चाहिए, वो टू पॉइंट लाइन के होने चाहिए। तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा। तो ये माइनस कर दें कितना आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा एक्स माइनस फोर, फिर वाई माइनस सेवन, वाई माइनस सेवन, और थर्ड क्या आएगा, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं बोलिए, बीसी के, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो बीसी एक प्रकार से और निकल सकता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन की बहुत सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बी लेते हैं और सेकंड पॉइंट सी लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में कितना हो जाएगा, फोर माइनस थ्री कितना हुआ वन, सेवन माइनस फाइव कितना हुआ टू, और वन माइनस थ्री कितना हुआ माइनस टू। ये भी बीसी का ही डायरेक्शन रेशियो है और यही बीसी का डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे, दोनों क्या होंगे, समानुपाती। इसका मतलब इसको कैसा लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस फोर अपॉन वन, वाई माइनस सेवन अपॉन टू, और जेड माइनस वन अपॉन माइनस टू। मतलब ऊपर लिख दी ये वाली डायरेक्शन रेशियो हमने और नीचे ये वाली लिख दी है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको मान लेते हैं कितना, लैम्डा। अगर लैम्डा माना तो अब फर्स्ट वाला ले लो, एक्स माइनस फोर अपॉन वन इज इक्वल टू कितना बोलो, लैम्डा। बीच वाले गोल कर जाओ, हटा दो पहले, फर्स्ट और लास्ट का लेना, इससे क्या निकल आएगा बोलो, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू, ये फोर उस तरफ चला जाएगा, फोर प्लस लैम्डा, ठीक है। ऐसा ही वाई वाले के साथ में ले लो, तो वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, टू लैम्डा। तो फिर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन प्लस टू लैम्डा। और सिमिलरली जेड वाली टर्म ले लेते हैं, कितना आएगा, जेड माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू लैम्डा। तो फिर जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, वन माइनस टू लैम्डा। ये देखें, हमने यहां पर एक्स वाई जेड के पॉइंट निकाल लिए हैं, मतलब डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि ये डी के कोऑर्डिनेट है, ये क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट क्या माने गए, एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू हमने एक्स वाई जेड की निकाली है। एक्स की कितनी है, फोर प्लस लैम्डा, वाई की कितनी है, सेवन प्लस टू लैम्डा, और जेड की कितनी है, वन माइनस टू लैम्डा निकल आई। अब जो डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो फिर हम एडी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, दिक अनुपात हिंदी वालों को, एडी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, मेथड वही होती है, ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस वन, एडी के डायरेक्शन रेशियो में लिखना है, तो कितने होंगे, ये हो जाएंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन का मतलब कितना हुआ, ये है एक्स, मतलब फोर
प्लस लैम्डा माइनस वन, मतलब कितना आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा। सेकेंड वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो मतलब कितना होगा, वाई की वैल्यू कितनी है ये 7 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और फिर थर्ड के लिए जेड माइनस थ्री, जेड की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, कितना हो जाएगा बोलिए 1 माइनस 3 कितना -2 और -2 लैम्डा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये शुरू में हमने निकाला था क्या, ये देखिए बीसी के डायरेक्शन रेशियो। तो बीसी का डायरेक्शन रेशियो कौन सा है, बीसी का डायरेक्शन रेशियो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कितना है ये 1 2 माइनस 2, नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 2, ये किसका है बीसी का, किसका है बीसी का, मतलब ये कहला जाएगा A1 B1 C1, ठीक है। और ये जो निकाला है AD का, अभी अभी अपन ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। अब हम क्या देखते हैं, हम यहां देखते हैं कि AD और BC कैसे परपेंडिकुलर है, ये है AD और BC कैसे है परपेंडिकुलर। तो कंडीशन किसकी लगा देंगे, परपेंडिकुलर वाली, मतलब वही A1 A2 प्लस B1 B2 A1 A2 B1 B2 प्लus C1 C2 = 0। अब लगा देते हैं वैल्यू कितनी है बताइए, A1 A2 1 into 1 into 3 plus lambda, फिर 2 into कितना B वाली वैल्यू ये है 7 plus 2 lambda -2 और ये है कितना होगा -2 -2 lambda = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 3 plus lambda plus कितना होगा यहां पर बोलिए 14 plus 4 lambda, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 plus 4 lambda = 0। आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा 4 lambda 4 lambda, कितना हुआ 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 lambda, कितना आया बोलिए 9 lambda। नंबर चेक करो, ये 14 प्लस 4 कितना हो गया 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है = 0, ठीक है। तो कितना आएगा lambda = -21/9, फिर से काटेंगे, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -7/3। अब ये वैल्यू हमको कहां लगानी है, हमको लगानी है जो हमने डी के कोऑर्डिनेट बनाए थे जो कि लेमडा के फॉर्म में आए थे, उनमें लगानी है ये वाली वैल्यू, देख रहे हैं ये, ठीक है। इसको उठा करके नीचे ले चलते हैं, काम करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू और इसी में लगा देते हैं ये, ठीक है। ये है, इसको उठा लेते हैं और नीचे ले चलते हैं इसको और इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये तो लगाते हैं, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलिए, डी कितना है 4 माइनस प्लस है प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है
-7/3, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 7 + 2 लैम्डा, लैम्डा मतलब -7/3, फिर कितना आएगा, 1 - 2 लैम्डा, -7/3, ठीक है। अब ये डी देखो कितना आएगा, एलसीएम लिया कितना आएगा बोलो, 3, कितना आएगा, 12 - 7, कितना आएगा, 5। यहां कितना आएगा बोलिए, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, यहां कितना आएगा, 3 × 7 कितना, 21, और ये -14 कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। और लास्ट में कितना आएगा, यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा बोलिए, 3 ही आएगा, यहां चला जाएगा 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, +14, मींस कितना आ जाएगा, 17/3। ये देख सकते हैं कि पहले जो आंसर आया था वह कितना आया था, वही आया था, देख सकते हैं, ये देख लो, ये आंसर पहले वाला ये है, 5/3, 7/3, 17/3, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड बहुत सारी हो सकती हैं, सिर्फ अपन को सोचना बस है, तरीका सोचना है, और एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। देखें इसमें हमने सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र का यूज बिल्कुल नहीं किया, और उसके बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और एक ही क्वेश्चन को चाहें तो कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन और देखें, इसमें कुछ एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं क्वेश्चन, उनको देख लें और सॉल्व करें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, और ऐसी और क्वेश्चन ढूंढ लें घर में, सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, होमवर्क करके फिर भेजें, ठीक है। उम्मीद है मैथ्स के ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे और समझे। इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रह जाती है तो आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें और बार बार देखें और अच्छे समझें, और उसके जैसे ही क्वेश्चन जो बुक में और भी दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें और फिर होमवर्क हमारे पास भेजें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से नई क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।